वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। विक्रम संवत 2077 फागण सुद बीज सोमवार तारीख 15 मार्च 2021। कथा भाग 527। कथा स्थल स्टेज कुटीर कुंडल धाम। आज की मांग 138। एक समय के अमेरिका के नागरिक और विश्व के नंबर 1 धनपति रिचमैन वॉरेन बफेट का यह चिंतन है। एक जमाना में वो दुनिया में नंबर 1 धनवान होने पर भी आज नहीं है, उसकी वजह सुनने के लिए हमको बहुत बड़ा आनंद आएगा। इसलिए आज धनवान नहीं है कि उन्होंने बहुत से धन दान में दे दिए। दुनिया में जहां जहां जरूरत थी सबको दे दिया। और तब उन्हीं का यह चिंतन हम लोगों को सटीक लग रहा है। उन्होंने क्या कहा सुनिए। कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है तो इसकी वजह है कि बहुत समय पहले ये पेड़ किसी ने लगाया होगा। हम जिस वृक्ष के नीचे छाया का लाभ पा रहे हैं, हमको तो केवल फल मिल रहा है, लेकिन पहले किसी ने वृक्ष बोया था, उसका उछेर किया था, तब आज हमको ये फल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरी दृष्टि से 3 मतलब निकाला जा सकता है। नंबर 1, हम आज जो भी सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम किसी के ऋणी हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ पहले से बो रखा है, उसके फलरूप आज हम सुखी हैं। आज हमने कुछ न कुछ पाया है, वो केवल हमारे ही प्रयत्न का फल नहीं है। दूसरी बात, हमारा भी एक कर्तव्य है, हमको भी और नया पेड़ बोना चाहिए जो आगामी पीढ़ी जनरेशन के लिए फलद्रूप हो सके। यदि हम ये 2 काम न करें तो हम जैसे और कोई कृतघ्नि नहीं है। ये तीसरा मैसेज है। हमको सदैव जितना भी इस जीवन में सुख मिला है, संस्कार मिला है, उसमें हम ऋणी हैं हमारे पूर्वजों के, हमारे गुरुजनों के, जिन्हीं की कृपा से हमको ये मिला है, उन सभी के प्रति हम कृतज्ञ होने चाहिए। दूसरी बात, हमको भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि दूसरों को सुख मिले। हमारा आज का परिश्रम, हमारा आज का सुझाव भविष्य में किसी को सुख देने वाला हो, उनका कल्याण करने वाला हो। और ये 2 काम हम करें तो ही कृतज्ञ माने जाएंगे। यदि हम न करें तो हम कृतघ्नि हैं। वॉरेन बफेट जी का ये चिंतन हम सभी ध्यान पर लेंगे और जहां तक हो सके सदैव आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, और हम हमारा कर्तव्य भी बजाएंगे कि और दूसरों के लिए भी हम कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे, करते रहेंगे। काले माणकी घोड़ीना प्रेमनी वात अद्भुत अनोखी आवी छे। पशु योनिमा महाराजे जेमने जन्म आप्यो छे तेम छतां माणाथी न थायने वाला युवानो एवो शुद्ध विशुद्ध प्रभुमां प्रेम माणकी घोड़ीए कर्यो। ए आपणे टीला टपका कंठियु वाला हरिभगत बैरा छोकराओमां कुल कुटुंबीओमां लथबथ प्रेम राखी छे, मोह ने ममता राखी छे। भले ने भगवान कही गया छे प्रीति तोड़जो रे जूठा जाणी कुटुंब परिवार नत तूटती। हमणे जो भगवान, कोई भगवानना संत, कांईक तमारा कोई कुटुंबीजननु एकाद शब्द जराक वाँकू बोले कि हवे ई तो हवे जावा देन टभो छे, तो अपन ने नहीं गमे આપણને સંતનો અભાવ આવશે, ભક્તનો આવશે, ઓલો નરકમાં જાય એવો હોય ને તોય, કારણ કે મોહ છે. ખોટું નહીં. જ્યારે માણકી ઘડીને એનું વછેરું ગમે એટલા હિંહોરા કરે, તરફડિયા મારે, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવા ચૂકતી નથી. આ માણકી ઘડીનો પ્રેમ. આજે પ્રેમનું પરિણામ શું હોવું જોઈએ એની એક પંક્તિ બહુ સરસ છે. આપણે બધા એવું બોલતા હોઈએ છીએ કે મને સંતો બહુ વાલા, બહુ સારું, સંતો વાલા હોય તો હારા મારું, એ તો બહુ કલ્યાણકારી કામ છે. પણ જો સંતો વાલા હોય તો એનું રિઝલ્ટ શું આવવું જોઈએ? માણકી ઘોડીમાં શું આવતું હતું? એક પંક્તિ અદ્ભુત છે, અનોખી છે. ચાલો ગાઈ લઈએ અને જીવનમાં આત્મસાત કરીએ. આપણે પણ પ્રેરણા લઈએ કે મારે વાલા મહારાજ, મારા વાલા સંતો અને વડીલ ભક્તોમાં જેટલો પ્રેમ હોય તો આવું રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ. મારે આવું કરવું જ છે, કેળવવું જ છે. ચાલે પ્રભુની મરજી જોઈ, મન ગમતું કર્યું ન કોઈ. ચાલે પ્રભુની મરજી જોઈ, મન ગમતું કર્યું ન કોઈ. હે તવે સારું વછેરી માથે, મન કર્મે વરી હરી સાથે. હે તવે સારું વછેરી માથે, મન કર્મે વરી હરી સાથે. ચાલે પ્રભુની મરજી જોઈ, મન ગમતું કર્યું ન કોઈ. ચાલે પ્રભુની મરજી જોઈ, મન ગમતું કર્યું ન કોઈ. હે તવે સારું વછેરી માથે, મન કર્મે વરી હરિજી સાથે. હે તવે સારું વછેરી માથે, મન કર્મે વરી હરિજી સાથે. મન કર્મે વરી હરિજી સાથે. મન કર્મે વરી હરિજી સાથે. પાક્કી ગેરંટી વાળું આ સર્ટિફિકેટ પ્રમાણપત્ર છે. જેટલું મરજીમાં રહેવાય એટલો સાચો શુદ્ધ પ્રેમ છે. મરજીમાં જેટલા રખાવાય એટલો સ્વાર્થ છે મારા ભાઈઓ, એટલો સ્વાર્થ છે. કોને કોનામાં કેટલો પ્રેમ, કોણ કોની મરજીમાં કેટલા રે, એના ઉપરથી નક્કી થાય છે. આપણે જેટલા વાલા મહારાજની મરજીમાં રહીએ તો મહારાજમાં એટલો પ્રેમ છે. વાલા સંતોની મરજીમાં સમાહિત થઈ જઈએ તો એટલો સંતોમાં સ્નેહ છે. મનની મરજીમાં રહીએ તો કૌશલભાઈ તો મનમાં પ્રેમ છે. પાકું થઈ ગયું. એ આપણને સુખ આવે એમ રહીએ, એવું કરીએ તો દિલીપભાઈ તો આપણને દિલીપમાં પ્રેમ છે. સિદ્ધ છે આ વાત. હેત વિસાર્યું વછેરી માથેથી, એની હગી દીકરી છે. હેત કાઢી નાખ્યું કે મારા પ્રભુથી વધારે કોઈ નહીં, મારા પ્રભુ પહેલા, મારા પ્રભુની સુખાકારી સેવા ભક્તિ પહેલી, પછી બીજું બધું. આવું માણકીએ કર્યું. બોલો, મન કર્મ વચને પ્રભુને વરી ગઈ. આપણે આપણા શરીરને વર્યા, કુળ કુટુંબને વર્યા, વિષયોને વર્યા, જે મરીને નરક તરફ ગીર્યા. આવી માયા છે. માટે સાવધાન વાલા ભાઈઓ, સાવધાન. ગ્રંથકારે પ્રસંગોપાત એક વાત લખી છે કે આ માણકી ઘોડીનો એક વેલો મૂળી મંદિરમાં સચવાયેલો હતો. માણકી ઘોડીમાંથી જે કાંઈ વછેરા વછેરીયું થયા હોય એ મૂળી મંદિરમાં હતો. પરંતુ આજે એ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. હરી ઈચ્છાથી આગળ કોઈ એની પરંપરા મળતી રહી નથી. આ વાત તો થઈ ગઈ, પણ હવે એક વાત આવે છે વાલા ભક્તો. હું અગાઉ કહી રાખું છું, દરેક સ્વામિનારાયણ ભગવાનના, અરે ભારતીય સમાજના જે કોઈ ત્યાગી સંતો છે, વિતરાગી મહાપુરુષોમાં ગણાય છે એ, અને જે કોઈ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભગવાનના ભગત કહેવાય છે, એ તમામને માટે अत्यंत गंभीर बात आवी रही छे। आपणे त्यागी भगवानना भक्त होईए के गृहस्थ आश्रममां रहीने भगवानना भक्त होईए पण कामी कूचरा जेवा होईए ने तो आपणे आ सत्संगनुं कलंक छीए, भगवानने माटे एक माथानो दुखावो छे। त्यागाश्रमी साधु संत महात्मा कहेवाय अने खानगीमां पापनो कोई पार नहीं। एना माटे केटलाय दगा पेच युक्ति प्रयुक्तिओ करीने भगवाननी आज्ञा लोपीने पण जे संत ने शोभे नहीं एवा पाप करता होय ए मोटा पापना पर्वत छे। जे ब्रह्मचर्य लोपे छे एना आश्रमनो धर्म लोपीने पण पुरुष पुरुषोमां के पुरुष स्त्रियों साथे स्त्रियों पुरुषों साथे पाप करे छे। एक कामी हरामी आवा सारा दिव्य सत्संगना कलंक छे। एनी एक गोजारी कथा आवेली छे। खैर त्यागी साधु संतोनु ब्रह्मचर्य जुदू छे, ग्रहस्थोनु ब्रह्मचर्य जुदू छे। मारा जेवा त्यागी साधु संतो माटे 8 प्रकारे ब्रह्मचर्य पाळवानुं स्वामीनारायण भगवाननुं विधान छे। कोई पण प्रकारे ब्रह्मचर्य लोपाय ए भूल छे। मनमा स्त्रीओना काम बुद्धिथी संकल्पो करवा आ पहेला नंबरनुं ब्रह्मचर्य लोपाणुं। साक्षात अंगसंग थई जाय आ 8मो प्रकारनुं लोपाई गयुं। छेल्लाम छेल्लुं पहाड़ डूबी गयो। आनी वच्चेनी जेटली काई ब्रह्मचर्य तोड़वा वाली बाबत होय ए बधुं ज ब्रह्मचर्य लोपु कहेवाय, खोटुं कहेवाय, ए काम व्यापी गयो कहेवाय। अमारा धर्मामृत नामना ग्रंथमां मीन्स श्रीमद सत्संगी जीवनना 4था प्रकरणना 5-6 अध्यायनो एक पार्ट छे जे त्यागी धर्मो माटेनो ज एक विभाग छे। एमां एवुं पण लख्युं छे के कोई पुरुष पशु विषे कामनी प्रवृत्ति करे, पुरुष पुरुष विषे कामनी प्रवृत्ति करे, ए पण 100% खोटू छे। ईवन पोते ज पोताना हाथे करीने ब्रह्मचर्यनु स्खलन करे, वीर्यपात करे, हस्तमैथुन करे ए पण न होवुं जोईए। आय सुधीना ब्रह्मचर्यना विधानो छे अने ए पाळवा जोईए। ए लोपाय अने छता मोटा महात्मा अने मोटा भक्तराज गणाईने आपणे आ सत्संगमां फायला फूरीए ए बहु भूंडू छे, बहु खोटू छे। एमां हजारों जीवोनुं कल्याण बगाड़वाना आपणे निमित्त बनीए छे। एकवार कोई एक संते एक ग्रहस्थ हरिभक्ते आवो दगो कर्यो के खरेखर एना धर्ममां रहेतो नथी, कोईनी पासे निष्कपट थतो नथी, प्रायश्चित लेतो नथी, सुधरतो नथी अन समाजने एनी खबर पड़वा लागी। हवे हजारों लोकोने संप्रदायनो अभाव आवशे, भगवाननो अभाव आवशे। अरे साचा 16 वला सोना जेवा संतो हशे ने एनो पण हवे विश्वास नहीं करे। कहेवाय छे ने दूधना दाजा छाश फूकवा लागे। ए बधुं पाप जेने दगो कर्यो एने छे। भगवान स्वामीनारायण आ बाबत में खूब ज गंभीरपणे वात लेनारा प्रभु छे। आजे गमे ते एलफेल करे छे। सत्संगी जेवो सत्संगी स्वामीनारायण भगवाननो भगतड़ो थईने के बाय भगतड़ी थईने गमे त्यारे खोटू करे, पाप करे अने ज्यां सुधी रंगे हाथ तमे न पकड़ो त्यां सुधी माने ज नहीं। उल्टानु जो एने कोई कहेवा जाय ने के एला तू भूल करे छो, अली तू भूल करे छो, खरेखर आखी जाए हरिश्चंद्रना बाप बनी जाए। केटलुं पाप लागे। आपणे कदाच कोई नियम न पाळी शक्या तो एना माटेनो पण शास्त्रोमां बहुत सारो रस्तो छे, उकेल छे के नियममां रहेनारा कोई मोटा पुरुष होय एमने शरणे थई जावुं, तात्कालिक एमने कही देवुं, प्रायश्चित लई लेवुं अने शुद्ध थई जावुं। फरीने एना ए पापने मार्गे आगळ खदबदता रहेवुं नहीं। थई गई अजाणता भूल थई गई, कोई देशकाळे भूल थई गई, कोई समय संजोग एवा आवी गया अने आपणे कामी हरामी बनी गया तो निष्कपट थईने निखालस थईने प्रायश्चित करी लेवू। पण एक कामरूपी गटरना खांदामां ए विष्टाना खाडामां पड़पड़त करवू, ऊंधे खांद पड़वू अने वळी हरिश्चंद्र थईने रहेवू, माँ बाप ने छेतरवा, गुरुजनों ने छेतरवा, भगवान ना भक्तों ने संतों ने छेतरवा। सत्संग में अपनी वासना रूपी भूतावल ने संतोषवा, केटलाक ना कल्याण बगाड़वा, ये तो हळाहळ पाप छे, बहुत खोटू। आवी काम संबंधी मने ने तमने कई गंभीरता आवे के जो नहीं चेतीए नहीं सुधारीए तो भगवान ना भगत होवा छता केवा माठा परिणाम आवे छे ने केटली मारा प्रभु ने एना माटे काहटी करवी पड़े छे। ए वात आजनी कथा में अद्भुत आवी रही छे, सांभळता रहेजो। ज्यारे श्री हरिजी महाराज एटले के स्वामीनारायण भगवान आ पृथ्वी पर प्रकट हता, ए समयनी वात छे। माणकीनो एक वछेरो दादाना दरबारमां उछेरवामां आव्यो, एने सारामां सारी तालीम आपवामां आवी। सौ एना जाणकार माणसोने खबर पड़ी कि आ भविष्यमां बहु कीमती वछेरो घोड़ो थवानो छे। एनी चाल एना लक्षणों जोता एवं लगे छे कि आखा प्रदेश में पंकाय एवो कीमती घोड़ो थवानो छे। एक वखत कोई एना वेपारी घोड़ा खरीदवा वाला जाणकार माणसो आव्या के भाई कोई घोड़ो वेचाय छे, अमारे लेवो छे। कोके आ वछेरो बताड्यो, ए जमानामां हजी तो ए तैयार थयो नहोतो, नानी उमरनो हतो, एने छेवटे एने 1700 रुपया मां मांग्यो। आज थी 225 जेटला वर्षो पहला के 200 वर्ष पहलानी आ कहानी छे। हजी ए वछेरा ने तो अस्वारी करावा माटेनो आखो पीरियड बाकी छे के एना उपर चढ़ीने आपणे कंईक कामे लई जई सकीए, तो पण 1700 रुपया मां मंगाणो, बोलो केवो हशे वछेरो। सेवकोए महाराज ने पूछ्यु के हे महाराज केम करीए, 1700 रुपया आपे छे। महाराज के नहीं वेचवो। महाराजे ना पाड़ी दीधी। बधाने बहु नवाई लगी कि भाई घोड़ा तो आपणे त्यां काठियावाड़ में ईजी में ईजी मळे छे, आ 1700 रुपया आपे लई लई तो मोटो उत्सव थाय, समयो थाय, महामहोत्सव थई जाय। ए जमानामां तो एक नहीं बहु झाझा थाय। महाराज के ना नहीं वेचवो, नानो पड़ी। अने दादो खाचर ने एमना परिवार ने सत्संगना संतो भक्तों ने निष्ठाई केवी के कहीं वेचवानुं होय ने ढोर वेचवानुं होय तो प्रभुने पूछवानुं, प्रभु कहे तो ज वेचवानुं, ने नहीं वेचवानुं। महाराज के ना नहीं वेचवो, एटला माटे नहीं वेचवो के अमारे एना उपर अस्वारी करवानी छे, अमारे चढ़वा माटे राखवानो छे। तो बधाने थयो, तो बहु सारू, वाला महाराज आवा सुलक्षणा घोड़ा उपर अस्वारी करशे, गामडे गामडे देश विदेश में जशे, हवने एना दर्शननो लाभ मळशे, तो बहु सारू, काई वांधो नहीं, आपणे नथी वेचवो। 3500 दे तोय नक्की थी गयो। व्यापारी वयो गयो। थोड़ोक समय गयो, महाराज के एवुं करो एने बराबर नी ट्रेनिंग आपी दियो, बराबर नु खवड़ावो अने पछी अमे अस्वारी करीशुं। जे एना केळवणीकार माणसो होय एमणे केळवणी आपी, बराबर ट्रेनिंग आपी, पछी महाराज के जाओ एक दिवस एने सामान बामान उपर नाखीने लई आओ। लई आव्या, दादाना दरबारमां वच्चे जे मोटुं फळी हतुं त्यां लाव्या। हाँ न मारा वालम जे पहली वारी वछेरा उपर अस्वारी करी, हो अस्वारी करी अने एज लीमड़ानी फरते गोल कुंडाळे नाख्यो। एवो फेरवो एवो फेरवो, घोड़ो परसेवे रेब झेब थई गयो। महाराज ने पण परसेवो वळी गयो। एवो फेरवो, जेटला हता एटला बधा जोवा आव्या, पण हवने हवे कांईक हय्यामां धाकुड़ पकुड़ एटले थवा लाग्युं के खरेखर लिमिट पार फेरवाणो। अमुक हदे तो पछी पोरो देवो पड़े ने। हवने बीक लागवा मांडी के महाराज हवे तो ऊभो राखवा मरी जशे, शुं थशे आटलुं, एटलो बधो महाराजे घोड़ो फेर्यो। हाँ ने पछी मारा वालाए ऊभो राख्यो, बधाए जय जयकार कर दीधा, घोड़ाना वखाण कर्या। अरे अरे अरे, घोड़शाळनुं घरेणुं गणाय, बधा बोलवा मींड्या। आई बदा अरस परस बातों करे। हो जे घोड़ा ना जानकार होय, मालमी हो ने ये तो के बणु वछेरो ओहो हो हो काठियावाड़ नो मुगट जोई लियो। बधाने हरख मातो न तो पण एक क्षण मात्र मां ए हरख शोक बनी गयो। महाराज आम गया एक कोई काठी दरबारों मां मागवा माटेनो मांगण आवेलो, एने टेल नाखी के कांईक बापू दया करो। महाराज के लई जा वशेरो तने भेट आपो, ल्यो पकड़ावी दीधो। हवे 1700 रुपया नो तो जे दाड़े ट्रेनिंग नहोती ते दाड़े मगाएलो, बोलो आजे केटला नो थाय। मारा प्रभुए वळावी दीधो। बोलो मांगण तो दोरीने हाल्यो, एने कांई घरे भेगा न करवाना होय पण ई आमांथी दाम मेळवे। ज्यां जाय त्यां बताडे, बोलो लेवो ज, बोलो लेवो ज। हौथी वधुमां वधु 4000 5000 कोई रुपया आपशे ने वेचशे अथवा एनो कोक सारो उपयोग करशे, पण महाराजे तो मफत आपी दीधो। ए जोईने जे घोड़ाने जोईने खुश खुश थई गया हता ने एना चेहरा काळा थई गया के भारे करी महाराज माटे आवो सारो वछेरो हतो। ई तमने अत्यारे एम न समजाय परंतु तमे कोके आजनी मोंघामां मोंघी BMW मर्सिडीज के थी कोई हारी आवती होय एवी कार अहींया भगवान माटे संतो माटे भेट लाया हो, राइट। अने अहींया बधा आम जोता होय के ओ हो हो फलाणा भाईए भगवान माटे संतो माटे आ कार भेट आपी, हे केटलानी के 1.5 करोड़नी के न होय। पूछो तो खरा, पूछता के 2.5 करोड़नी कार। ओहो हो आपने खुशी नो पार न हो, अपने तो आम हाथ फेरे फेरे करता हो, अरे अरे बहुत सरस से, बहुत सरस से, बहुत सरस से। अन ई कार कोक ने भेट दई दे तो आपने केवो विचार आवे, आवे ने आ एवं थयु। बधा के मारा जे दाड़े मोढे माग्या रुपया देनारो माणा मळ्यो त्यारे तमे वेचवा नो दई दीधो, अन अत्यारे आम हाव मफतमां आपी दीधो। एने मांग्यो ही नहोतो, एने तो मण अधमण दाणानी अपेक्षा हशे। जे मांगण आव्यो होय ई तो हुं लेवा आव्यो होय, के घोड़ा लेवा थोड़ो आव्यो होय। हवे जे माणू बे माणू दाणानो गराक एने तमे घोड़ो आपी दीधो। बधाने बहु ज थई गयुं, शून्य मून्य जोया सौजन। महाराजने एम लाग्युं के आज आ लोकोने कोईने भजन नहीं थाय, आजे चिंतामां हव आवी गया। अने वधारे असर एटले थई के मैं एवं कीधेलू के मारा माटे आ घोड़ो राखवानो छे ने आपी दीधो ने एटले बहु असर थाशे। महाराज के काई वांधो नहीं, हवे आनो खुलासो करवो पड़शे। पछी सांजना महाराजे सभा बोलावी, खास भगुजीने हाजर रहेवानुं केवडाव्युं। महाराजे कीधुं, भगुजी वल्ली वात करो। के कई महाराज? जो ने आपणे हुं तमे ने एकवार नीकळ्या हता आ बाजू, अने वच्चे एक बावाजी मळी गया, अने एनो एक मठ हतो, मंदिर हतुं, देरुं हतुं। एने आपने रोकावा माटे बहु ताण करीने मैं रोकावानी ना पाड़ी, बिचारो रोवा मांड्यो, बहु भाव विभोर थई गयो। जो ने नहोतो बन्यु। हाँ ई वात साची महाराज के ई बधी वात करो। ते पछी भगुजी वात करी के एक वखत हूँ ने महाराज बे जाता था, रस्ता में एक जग्या आई। जग्या एटले कोई धार्मिक स्थल आव्युं, कोई बावाजी त्यां रहता होय एवो मठ मढी जेवुं। अमे त्यां झाड़वानी छांये घड़ीक बैठा, तो त्याथी मठी मांथी बावाजी आव्या, बहु भाव विभोर हता। एमणे जोयुं के सजानंद स्वामी महाराज पोते गांडा घेला थई गया, अने महाराजने जमाडवा माटेनो बहु आग्रह कर्यो के तमे कहो तो ब्राह्मण पासे रसोई करावी दऊं, तमे कहो तो तमे जाते बनावो, तमे कोई व्यवस्था करो, पण आज मारुं आंगणुं पावन करो। सजानंद स्वामी बापा तमे तो लाखोना प्रभु छो। बहु भाव विभोर थई गया ए बावाजी। महाराजने बहु ताण करी महाराजे ना पाडी कि ना ना अमारे जमवू नहीं, अमारे जवू छे, जवू छे, जवू छे। ए बिचारो रोवा मांड्यो, पण महाराज न रोकाणा ते न ज रोकाणा। ए के तमे मारी जग्यामां आव्या, आए मारे आंगणे झाड़वानी छांये बैठा, अने तमे भूख्या जाओ बाप। ए केटलुं कहेता ए बावाजी पोक मूकी गया। बोलो केटलो प्रेम छे। साचा भावेथी कर्युं रुदन, आवुं लख्युं छे। केवा भावथी? खरेखर महाराजमां एने प्रेम हतो, भाव हतो। एने महाराज विषे जे सांभळ्युं हतुं एनाथी एने अत्यंत प्रभाव पड्यो हतो। साचा भावे रुदन कर्युं तो पण खबर नहीं महाराज न जेम्या ते एनुं न ज जेम्या। एने गमे एटलो रोतो मूकीने पण महाराज नीकळी गया। आटली महाराज मने खबर छे। महाराज के बस हवे अमारो वारो। पर आटली कहानी सांभळीने भाईओ दरेक बाईओ भाईओ साधु संतो त्यागी गृहस्थ भक्तोना कान हरवा थई गया के आटलो बधो प्रेम अने छतां महाराज एनु जीमानी। हवे आपणे विचारवा जेवुं आवे छो के भगवान केम नथी जमता। कामी हरामीना हाथनुं मारा प्रभुने खावुंय नथी भावतुं। हवे मारा वालमजी बोलवा लाग्या, हो हवे महाराज बोले छे सांभळो ए महाराज बावानी वात नत करता, कोनी करे छे? आपणी ज करे छे। आपणे एम मानवानुं महाराज मने कहे छे के आवुं बन्युं तो माटे तू सावधान रहेजे। रोकवामां राखी नहीं खामी पण बावो हो तो बहु कामी। रोकवामां राखी नहीं खामी पण बावो हो तो बहु कामी। रोकवामां राखी नहीं खामी पण बावो हो तो बहु कामी। रोकवामां राखी नहीं खामी पण बावो हो तो बहु कामी। ए पण बावो हो तो बहु कामी। आजे स्वामीनारायण भगवान नो कोई संत कोई पार्षद कोई त्यागी बहुत कामी होय भगवान ने आज्ञा लोपी ने खोटू करते हो न करवाना गोरख धंधा करते हो तो मारो महाराज एना माटे हूँ विचारता हशे। स्वामीनारायण ना संत रहेवू होय तो खरेखर साचा अर्थ में संत बनवू जोईए। आपणे आपणा नियम में 100% सावधान रहेवू जोईए। स्वामीनारायण नो साधु थईने कामी हरामी बावो बनी जाए पाप छे। तेथी अन्न जम्या नहीं हेनु तोय कल्याण करवा तेनु। तेथी अन्न जम्या नहीं हेनु तोय कल्याण करवा तेनु। अंत काल ए बावनो आयो माणकीनो वछेरो बनाव्यो। अंत काल प्रेम हतो दिवसे रात्रे गमे त्यारे पाप कर्या विनानो नहोतो रही शकतो। बावा जेवो बावो पण पाछो अंदर जाय ने એટલે ખોટું પાપ કરે। કામને વશ થઈને ત્યાગાશ્રમના બધા નિયમ લોપે। રૂમમાં ઘરીને કોઈ બાયું બોલાવે કોઈ ભાઈઓ આરે ત્યાગીઓ અંદરો અંદર કાં તો ગ્રહસ્થમાં ગમેના પાપ કરતો એટલે અમે એનું જીમ્યા નહીં પણ એને પ્રેમ હતો તો અમને એમ થયું કે એનું કલ્યાણ कल्याण करने जय देह पड़ी गयो अमेजी घोड़ी वसेरा तरीके जन्म आल्यो। आज आपी दीधो ने ई कामी बावो। बोलो आजे लीला लहर करवा होय तो करी लो आगळ जाता भोगवा पड़शे। भगवाननी आज्ञा लोपीशुं तो सजा तो थाशे थाशे ने थाशे ज। आ वसेरो ई बावो एक जमानानो मोटो बापू मोटो गुरु मोटो महंत मोटो शास्त्री पुराणी वेदांताचार्य वक्ता जे कई कहवाता था ने ई आज आ घोड़ो छे। बधा के यो महाराज आवी हमने हूँ खबर महाराज के एटले तो बात करी थी। तमने खबर न होय तो कम से कम विश्वास तो राखो। एटलो तो समझो के मारा प्रभु जे करता हशे ते हवना हारा माटे ज करता हशे। आघा पाछा हूँ बहु थाथा करो छो। मानो ने अमारू कहीए एटलुं तो मानो। तमने भान न पड़े तो काई नहीं। विश्वास राखो के महाराज हवे छे ने आपणे एने माणसने भेट आपी दीधो राइट। एने कोई खारो ग्राहक मळशे कां तो ए पोते एने वाली घोड़ो बनावशे। एटले के अनेक घोड़ीओने गर्भाधान कराववामां आनो उपयोग करशे। अने एनी इच्छा तो बहु छे एने काममां सुख बुद्धि बहु छे। त्या जन्मे एमां एनो हेंचकनो उपयोग थशे अने पछी अमारी दृष्टि पड़ी छे एटले एने पस्तावो थशे। बहुत पस्ताशे के आरा रा 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 हूँ चामड़ा चूथी चूथी ने ढोर जेवू काम करीने जन्म बगाड़वानो मोक्ष बगाड़वानो ज्यारे एने बहु पछतावो थशे ई पाछो वळशे त्यारे अमे एनो ए घोड़ानो देह छोडावी देशुं फरी एक चांस आपशुं पछी शुं करशो महाराज सतसंगीनो छोकरो थाशे त्यारे वासना प्रजळी जाशे सतसंगीनो छोकरो थाशे त्यारे वासना प्रजळी जाशे पछी पाछो हजी एक जन्म सत्संगीनो तो लेवो पड़शे पछतावो बहु थयो छे एटले पछी मारा संतोमां जोडाई जशे मारा साचा संतो के एम ज करशे भक्ति बहु करशे नियम में रहेशे एटले एनी वासना धीरे 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 बधी समाप्त थई जशे जोयो ए त्यागी होवा छतां भगवानना भगत होवा छतां भगवान मां संतो मां प्रेम होवा छतां विषय वाला राखे तो ढोर थवू पड़शे शुं थवू पड़शे ढोर अने जो पछतावो करीने पाछा वळीए आपणे जाते हवे सुधारो करवाना मार्गे चढ़ीए तो भगवान सत्संगी बनावशे भगवानना भगत बनावशे ए अत्यारे भगतमां वारो आव्यो छे आपणे त्यागी के भगवानना भगत बन्या छे तो सुधारो हुं काम न करवो आज नहीं तो काल कोई जन्मे कर्या विना छूटक्यो तो नथी ज ढोर थईने पाडो घोड़ो थईने पण छेवटे एक वखत तो मूकवानुं ज छे तो अत्यारे ज न मूकी देवुं मारा बापा ग्रहस्थोए पोतानी परिणीत एक स्त्री छे ए सिवाय तमाम जेटली जगत में महिलाओं छे माँ बेन के दीकरी नो भाव राखवो जोईए ए सिवाय भाव भ्रष्ट थाय एटले ग्रहस्थ कामी हरामी थयो कहेवाय पछी जेटलो आगळ वधे एटलो वधारे पाप में पड़े आ दुनिया में एक ज एमने माटे स्त्री छे जेनी हारे ए कायदेसर चार फेरा फरीने शास्त्रीय विधि प्रमाणे पौण्यो छे बाकीनी कोई एना माटे स्त्री नथी एनी मां छे एनी बेन छे नानी उमरनी होय तो दीकरी छे जे जेटली आंखो बगाड़े छे मन बगाड़े छे अने क्यारेक क्यारेक तो तनथी पण भ्रष्ट थाय छे ई बधा आवा माठा फळ भोगववाना छे माटे सावधान सत्संगीनो छोकरो थाशे त्यारे वासना प्रजळी जाशे सत्संगीनो छोकरो थाशे त्यारे वासना प्रजळी जाशे अंते पामशे अमारु धाम माटे तजीजो तर्क तमाम अंते पामशे अमारु धाम माटे तजीजो तर्क तमाम अमारी बधी ज क्रियाओं कल्याणकारी छे अमे काकुनु लईए तोय एनु कल्याण करवाने कोकने दई दईए तोय एनु कल्याण करवा माटे कोई डापण ना करशो तर्क वितर्क ना करो गोपाळानंद स्वामी कीधुं भगवान अने भगवानना साचा सत्पुरुषनी क्रिया बीजाना भला माटे होय छे ए लाखोनो व्यवहार धूळमां मेळवी दे ने तो पण डापण न कराय ई भला माटे होय छे एनी अलौकिक दृष्टि होय छे आपणे तेटलुं लाग्युं ओहो 2,500 नो तैयार घोड़ो महाराजे मफत आपी दीधो 2 पाली दाणानो गराग हतो एने 2,500 नो घोड़ो आपी दीधो आपणी बुद्धि बीजी रीते चाले छे अने मारा प्रभुनो प्लान कंईक जीवना कल्याणनो बीजो होय छे एटले लख्युं माटे तर्क तजी द्यो तमाम आमां तर्क वितर्क करशो नहीं अमारुं प्लानिंग आखुं बीजुं ज होय छे अमारी बधी ज टोटल क्रिया जीवना कल्याण माटे होय छे पण सांभळो हवे महाराज कहे छे के अमे आवुं बधुं कर्युं हवे तमे कांई समज्या आपणने समजावा ग्रंथकारे लख्युं के आ शुं काम कर्युं जो आपणे समजवू होय तो समझी जाए चालो काम वासना विसारवाने सावधान कर्या भगवाने काम वासना विसारवाने सावधान कर्या भगवाने काम वासना विसारवाने सावधान कर्या भगवाने काम आसन विसर्वाने सावधान कर्या भगवाने सावधान कर्या भगवाने सावधान कर्या भगवाने करे चरित्र जे परमेश भरो होय एमा उपदेश कांक ने कांक रहस्य होय होय अने होय छे। सामान्य दृष्टि वाला भक्तों जेनी उमर 50 वर्ष नी थाय हवे 100% वलता पाणी थवा जोईए। 50 वर्ष थई गया अने वासना छोड़ी नहीं, विषयनी विवशता गुमावी नहीं, त्यागी नहीं, तो हवे आ जोखमी उमर शरू थई गई छे। एमांय 60 थई गया, 60 वर्ष थवा छतां हजी नियम में रहेवातुं नथी, विषयों विना चालतु नथी, आ भमराळी अवस्था शुरू थी गई। जो आमांथी मौत आवशे अने विषय में वासना रही गई हशे, एमां सुख बुद्धि हजी गई नहीं होय तो जन्म लेवो पड़शे। जनरली अपनी भारतीय संस्कृति प्रमाणे जेना दीकरा दीकरीओ परणी जाय तो ए माँ बाप हवे वासनाना मार्गे थी वीरमी जाए, वीरती ले। आवी एक आपड़ी भव्य आर्य संस्कृति छे। खैर बधानी एक सरखी परिस्थिति न होय तो दरेक ए पूरेपूरी प्रामाणिक कोशिश तो करता होवा जोईए के आटली उमर थई गई हवे विषयों मांथी वृत्तिओ वाळी लेवी जोईए। वधारेम वधारे एवो योग संजोग राखवो जोईए कि धीरे 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 वासनानु वळगण छूटतुं जाए, छूटतुं जाए, छूटतुं जाए। अने जो एमांथी निकळवुं होय तो मारा भाईओ मात्र ने मात्र मारे छोड़ी देवुं छे, छोड़ी देवुं छे एटलुं विचारवाथी छूटी जातुं नथी। मन भगवानमां हवे जोड़ी देवुं छे, भगवानना वाला साचा संतोना संगमां हवे रंगाई जवुं छे। आ वात मुख्य होवी जोईए। आपणे जीव छीए, आपणे कोई सुख विना रही शकता नथी, परंतु जो भगवानना सुखे सुखिया थई जाइए, संतोना रंगमां रंगाई जाइए तो विषयनी वासना छोड़वी हाली छे। जे भगवानमां ने साचा संतोमां रंगाई जाता नथी, कथा कीर्तन भजन सेवामां ज रसबस थई जाता नथी, ई भूखाळा होय एटले ई कांईक ने कांईक खाई लीधा विना न रही शके नहीं। बुभुक्षिता किम न करोती पापम। भूख्यो तो भाई गमे त्यां वसड़का मारी लेवानो छे। जेने भगवान ने भगवानना वाला साचा संतोना संगमां सुख नथी आवतुं, त्यां एने आम तृप्ति नथी थाती, एवो जीव तो पछी विषयमां पड़ी जाय। माटे खूब कथा सांभळवी, खूब ज सत्संग करवो, भगवाननो महिमा भगवानना वाला वाला संतो भक्तोनो महिमा खूब राखवो, वारंवार संतो भेगा रहेवानो अभ्यास करवो, विषयोथी छेटा रहेवानी प्रेक्टिस करवी। जारे जारे अपना नियमों जेम जेम अकबंध पाळवा जोईए ए पाळवा उपर ध्यान देवू। एम करता करता एक दिवस एवो आवे छे, अमे साधु संतो अमारा नियमों में रहीने भगवाननी भक्ति करता करता, तमे ग्रस्त संसारी हो तमारा नियमों में रहता रहता भगवाननी भक्ति करता करता एक दिवस वासनाओ छूटी जाय छे, घटी जाय छे अने अंतकाळ आवता मां तो आपणो जीव संपूर्ण भगवान में संतो में जोड़ाई जाय छे, धाम में पहुंची जाए छे। आम आ सत्संग में कल्याण थाय छे। वाला भाईओ, आवुं गढ़पुर वाला महाराजे मने तमने सावधानी आपवा चरित्र कर्युं हतुं। बोलो केवी अद्भुत बात निकली के न निकली। एटले आवी कथा, आवा ग्रंथों, आ माहोल मने ने तमने बाप जगाड़ी देनारा, प्रभु में लगाड़ी देनारा, भाव भटकण छोड़ावी देनारा छे। ए आवुं आपड़ा भाग्य में होय क्यांथी बाप। साचा मुमुक्षुओ, साचा खपवाड़ा हजारों काम पड्या मूकीने पण आवुं मोक्षनुं काम पहेलुं करता होय छे। अने जे कथा आपड़ा हृदय में खूब असर करी जाए ए कथाओ एक वार नहीं अनेक वार सांभळी सांभळीने रिपीट करवी जोईए। डाया सुग्न मुमुक्षोए याद राखवुं जोईए कि आ कथा मारे बहु ज कामनी आवी छे, मने हृदय स्पर्शी गई छे, मारो सुधारो करावे एवी छे, आनुं डाउनलोड करो। आ कथा नेट में मुकाय एटले आने डाउनलोड करो, पछी एने एक वार नहीं अनेक वार सांभळी सांभळीने पण आ दृढ़ता करवी ज छे। आने डाया सुग्न भाईओ भाईओ त्यागी गृही भक्तो कहेवाय। वाला भक्तो तमने नवाई लागशे ए दादाओ सांभळो, ए देश विदेश में जुम्मा मोढुं फाड़ीने कथा सांभळी रहेला सांभळो। हूँ ने तमे कथा सांभळीए छे एमां हूँ नवी नवाईनो घोघो छे जे स्वामीनारायण भगवानना संत थया एने आज 60 जेटला वर्ष थई गया हशे, वधु थया होय तो ना नहीं। जे एक जमानामां वडताल धामना महंत पदे चेरमेन पदे केटलोक समय रही चूक्या छे एवा आपणा पाडोशी अहींया परम पूज्यपाद सद्गुरु धर्मप्रिय दाजी स्वामी बापू स्वामी छे ने हवार हांजनी बे टाइम आ कुंडल धामनी कथा सांभळे चूकता ज नथी। बोलो आपणे तो हूँ केवो रंग छे। एटले आ बधी वात वाला भाईओ मारा ने तमारा भाग्यमां होय ज क्यांथी? आवो लाभ आपणे मळे क्यांथी? जे आपने जगाड़े छे, प्रभु में लगाड़े छे, विषय वासनाना वळगणों मांथी छोड़ावे छे अने प्रभु ने पमाड़े छे, एवो सांग एवो रांग एवो योग एज भगवाननी बहु मोटी कृपा कहेवाय। बापा जेटलू हेत थी विश्वास थी आनु रसपान करिए एटला आपणे पण एवा दिव्य भव्य बनीए छीए। वाला महाराज गुजरातना संघ ने वळाववा माटे विदाय देवा माटे निकळ्या हता। मोटा जींजावदर पूगता पहला माणकी घोडीने भगवान में केवुं हेत छे ई प्रसंग आव्यो तो ई निमित्ते आ बधी वातो निकळी छे। हवे वाला महाराज मोटा जींजावदर गया, जींजावदरथी कारियाणी गया, त्यां जेम्या अने जेम्या पछी कुंडल धाम पधार्या। अहींया रात रोकाया महाराज। જ્યારે વહેલી સવારે ચાંદો ઉગ્યો મહારાજ કે હાલો હાલો નીકળી જવું છે, આ બધા સંઘને બહુ દૂર જવાનું છે। સંઘ સહિત મહારાજ અહીંથી હાલ્યા, અહીંયાથી રોજિત નામનું ગામ છે લગભગ 8-9 કિલોમીટર, ત્યાં ગયા। ત્યાંથી પાછા આગળ વધ્યા 10-12 કિલોમીટર, એક ગામ ચોકડી આવ્યું। ત્યાંથી વાલમજી 12-14 કિલોમીટર એક ગામ ખરડ પથાર્યા। ખરડમાં ગયા, મારા ભગવાનની ભક્તો વત્સલતા ઉભરાણી હો। महाराज के आपणे हाँ ख्यांक करीए छीए पण आ मारा वाला संतो अने भक्तो भूख्या केटला थाय, कांई खावानुं तो करो एला। गाम नानुं हतुं एटली बधी व्यवस्था थई शके नहीं। महाराज के जाओ जाओ कांईक व्यवस्था करो। 3 मण खीचड़ी मळी गाम आखामां छे। केटली? 3 मण खीचड़ी, दाळ चोखा भेगा कर्या तो थई। महाराज के गणो जे माणसो केटला छे? 400नो संघ हतो। महाराज यार केटलुं माणस हतुं? 3 मण एटले 8 किलो खीचड़ी तैयार थाय। एमां पाणी बाणी बधुं भेळवे तो पण ए वधी वधीने 80 किलो 90 किलो खबर नहीं, मने अंदाज नहीं आवतो केटलुं थाय, पण 400 माणस। महाराज के ओ आमां अमारुं मन मान्युं नहीं। बेचारा मारा वाला संतो भक्तो भूख्या रहे के महाराज तमे कहो शुं करीए? एटले नाना भाई हता करजीसणवाळा भट्ट बोलाव्या, काशीदास भाई हता बोचासणवाळा पाटीदार, बंनेने बोलाव्या। कांई आवो ए तमने भगवाने घणी बड़ी सगवड़ता आपी है, जाओ गाम में जाओ, जेटलू मळे एटलू वेचातू घी ले आओ। तात्कालिक तो बीजू तो मळे न मळे पाछुं मळे ती खवाय नहीं। जाओ जाओ जाओ, ए आवो लाभ तमने नहीं मळे, मारा वाला संतो भक्तोने जमाडवानो, जाओ रूपिया खर्चो। गया आखा गाम में फेर्या, मोढे माग्या दाम दीधा, 8 मण घी लेवा। एक जमानो हतो ने भाई गामडा गाम में पशुपालननो व्यवसाय होय, खेडूत होय, घी तो होय ज। केटलू घी मळ्युं? खीचड़ी केटली मळी? 3 मण अने घी 8 मण घी मळ्युं। महाराज के उभा रहो, गरम गरम खीचड़ी राखजो। घी आव्युं थीनुं। महाराज के हालो खीचड़ी पीरसो, अमे घी पीरसीए। आगळ आगळ संतो खीचड़ी पीरसे। वाला संतोना लाकडाना पात्र होय, एमां खीचड़ी अने गरमा गरम खीचड़ीमां थीजी गेलुं थीनुं घी। पत्तर छलकाई जाय एम मारा वालाए गाम खरडमां तलाव ने कांठे आवी लीला करी। आजे पण आ प्रसादीनु देरू देखाय छे ने, ए एनो पुरावो छे। आया स्वामीनारायण भगवाने 3 मण खीचड़ी 8 मण घी खवडाव्युं हतुं, एनी आ देरी छे। आ बाजू छे ने प्रतिमा देखाय छे, अंदरनो भाग छे, अने ओलू बाजूमां छे बहारथी पाडेलो फोटो छे। खरड तो अहींया बहु आघुं न कहेवाय, जंतुका आजूबाजूमां त्यां आवी लीला मारा वालाए करेली। अति तृप्त कर दीदा बधाने। 8 मण घी 3 मण कोरी खीचड़ी एनी बनावेली जे थई होय ते कम से कम मारा वालमजीना प्लान प्रमाणे केटला मन माल थयो हशे 11 तो काचुं थयुं एमां हजी उमेराणुं होय तो 12, 13, 14 मण जे कांई माल थयो हशे पछी दूध छाश तो पाछा वधाराना होय होय एवो कोई एनुं वजन गणवानुं ज न होय ए तो उपरथी देवानुं होय भाई एम बधाने तृप्त कर्या बहुत जमाड्या पछी त्यांथी चाल्या गाम रोजका गया। रोजका वट्या पछी महाराजे गाम पच्छमनो मार्ग पूछ्यो कोके बताड्यो के हाला जाओ आ पच्छम जाय। आगळ वजाता एक नानी एवी तलावडी आवी सरस मजानी। महाराज के रामदास स्वामी हवे अमने रजा आपो अमे पाछा वळीए तमे संग लईने जाओ। विचार करो क्या गधडा ठेठ त्यां हुजी मारो वालो वळाववा आव्या। शू भक्तो अने संतो वाला हशे आज आवी कल्पना पण आपणे करी शकीए। स्वामीनारायण बापाना संतो अने एना भक्तोने मारो भगवान गधडेथी खरड़ वटी जाए त्यां सुधी वळाववा जाता। बोलो एटले साधु संतो स्वामीनारायण भगवान माटे प्राणनी पथारी करता। ए भक्तो मारा प्रभु माटे या होम करता। ओहो हो हे मारा नाथ तमारी कृपा तमारी भक्त वत्सलता क्या छे आ। महाराजे रजा मांगी। रामदास जी स्वामी कीधुं महाराज अमने तो बधाने क्यारनुं थाय छे के हवे महाराज पण आपनो प्रेम अमे कोई बोली नोता शकता। बहुत सारू महाराज राजी खुशी थी अमे हवे जईशुं आपना गुणगान गाशुं आपनी आज्ञा में रहेशुं। आप महाराज परत पधारो। महाराज के सांभळो ए आवती जन्माष्टमी ना समये अमे वड़ताल मां आवशुं। तमे बधा जन्माष्टमी नो समयो करवा पाछा फरीने वड़ताल आवजो। आ कयो समयो हतो हुतासनी नो रंगोत्सव कर्यो। फागण महीनो चाले छे अने हवे श्रावण महीनानुं आमंत्रण आप्युं। महाराज के आहीं सुधी अमे तमारा रक्षण माटे आव्या हता तमने राजी करवा आव्या हता तमारा पोषण माटे आव्या हता। हवे अमे पाछा वळशुं तमे बधा साचवीने जाजो। हो भक्तो सौने जय सच्चिदानंद। आव कीधुं मारा वालाए। एटलुं बोल्या ने हेवा लटका मटका कर्या हवना दिल चोरी लीधा। एवी मीठी मीठी वातो करी बाईओ भाईओनुं हयू चोराई गयुं। हा मन मारा ज माने तन नाम जाय एवुं करी दीधुं। महाराज के उभा रहो मारा वाला संतो भक्तो वया जाय छे। महाराज माणकी उपर बेसी 3 प्रदक्षिणा फेर्या आखा संघने। मन मानतुं नथी छूटा पड़वानुं प्रदक्षिणा करवा द्यो। महाराज प्रदक्षिणा करे बधा संतो ने भक्तो महाराजना दर्शन करे हैयामां धारे एवुं हेत श्री हरिनुं जोई धारी शक्या न धीरज कोई। हय्यु धाड़ 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 थवा मींड्युं के हे मारा नाथ तमारो प्रेम बाप तमारी करुणा। वह्यो आंखेथी आंसू प्रवाह शुं हुं कहूं ए हेत अथाह। अपरंपार भगवान वाला संतो वाला मारा प्रभु ने संतो ने भक्तो वाला कि आहुडाना रेला रूपे बार प्रेम निकळ्यो। हो 3 प्रदक्षिणा कर्या पछी महाराज के हारू वाला संतो तमे आगळ चालो। वाहे वाहे बधा भक्तो एनी वाहे बहनो ए अमारू हरिस्मरण करता करता जाओ। हो बापा निकळो। ए भक्तो आम गया। महाराज पाछा वळ्या सुंदरियाना डोसा खाचरना दरबारमां आव्या। हिमराजशाह वगैरह भगवाननुं बहु पूजन कर्युं सेवानो लाभ लीधो। त्यांथी महाराज सारंगपुर आव्या अने सारंगपुरथी पाछा गढ़पुर पधार्या। बस आजनी कथा अहींया विराम। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी। मारा सहजानंद प्राण प्यारा मारी आँखलड़ी ना तारा तमे राजी रह जो स्वामी मारी भूलो ना भूलनारा तमे मड़ा तो सुख छे जाजो मारे हये अनहार अति भावी गयो Vaghjibhagat। हमारी भूलो ना भूलना राम, हमारी भूलो ना भूलना राम। सत्संग में अब आए जेते शांत हरिजन बायो तेते, सब है मुक्त अनादिए ही स्वभाव अब भूल गए ते ही, स्वभाव अब भूल गए ते ही। बोलो स्वामीनारायण भगवान।